गुड मॉर्निंग। कल हमने ऐशकों के साधन की चार विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें दीक्षालन विधि का कुछ भाग रह गया था। कल आपको बताया गया था दीक्षालन विधि में बॉक्साइट का साधन किया जाता है। बॉक्साइट में मुख्य दो अशुद्धियाँ टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकन ऑक्साइड और अल्प मात्रा में टाइटेनियम ऑक्साइड भी पाया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए तीन विधियाँ बताई गई, बेर विधि, ऑल विधि और सरपेक विधि। चूँकि इसमें तीनों के तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को अलग अलग डिटेल से अध्ययन करना है। पहली विधि इसमें बेर विधि। कल इतना ही बताया था कि बेर विधि का उपयोग उसी स्थिति में करते हैं जबकि बॉक्साइट में Fe2O3 और SiO2 दोनों अशुद्धियाँ लगभग समान मात्रा में होती है। तीन बातें कल मैंने बताई थी आपको, साथ साथ नोट अवश्य करें, प्रत्येक पॉइंट को नोट करते रहेंगे ताकि आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और ध्यान भी रहेगा, वरना सीधे बैठोगे तो उब जाओगे। तो बेर की विधि का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जबकि बॉक्साइट में Fe2O3 और SiO2 दोनों लगभग समान मात्रा में हो। ऑल विधि का बताया गया, ऑल विधि का उपयोग करते हैं उस स्थिति में करते हैं जबकि बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि यानी Fe2O3 की मात्रा अधिक होती है। सरपेक विधि में का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जबकि SiO2 की मात्रा अधिक होती है। अब तीनों ही विधियों में बॉक्साइट का सांद्रण कैसे करते हैं, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में एल्यूमिनियम निष्कर्षण है, उसके प्रत्येक एक चरण में यही भी आता है। पहला है जो सांद्रण है उसमें यही तीन विधियाँ हैं, उनमें एक विधि को पूछ लिया जाता है। पहली विधि है बेर विधि। तो फिर दोबारा सुन लीजिए, पहली बात याद रखनी है कि इस विधि का उपयोग उसी स्थिति में करते हैं जबकि मुख्य अशुद्धियाँ Fe2O3 और SiO2 लगभग समान मात्रा में होती है। नंबर दो, बारीक पीसे हुए ऐशक को एक बंद पात्र में लेकर NaOH का विलयन लेकर मिलाकर एक बंद पात्र में बारीक पीसा हुआ ऐशक, उसमें NaOH का विलयन मिलाकर उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो बॉक्साइट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। यह यौगिक जल में घुल जाता है जबकि अशुद्धियाँ अवलेय रहती है और इस प्रकार बने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम छान लेते हैं। छन्नित में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का विलयन प्राप्त होता है और शेष जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर रह जाती है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का विलयन को हम पुनः गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अक्षेपित हो जाता है। इन अक्षेप को अलग करके शुष्क करके गर्म करते हैं तो हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। इस विधि में होने वाली अभिक्रियाएँ परीक्षा में आ जाता है कि बेर विधि में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएँ, इसमें तीन अभिक्रियाएँ नोट कर लीजिए। पहले इसमें अभिक्रिया है DO2, ये हो गया बॉक्साइट प्लस 2 NaOH
उच्च ताप भी है और दाब भी है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। ये बेर विधि में प्रयुक्त या होने वाली अभिक्रियाएं हैं। क्वेश्चन दो नंबर का आ सकता है कि बेर विधि द्वारा बॉक्साइट का सांद्रण किस प्रकार करते हैं। नंबर दो, हॉल विधि। ऑल विधि का उपयोग कब करते हैं? जबकि इसमें एस्क में Fe2O3 की मात्रा अधिक हो। जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड अशुद्धि की अधिकता हो, ऐसी स्थिति में होल की विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में बारीक पिसे हुए एस्क को सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बॉक्साइट सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुल जाता है। अशुद्धियाँ जल में अविलय होती है, इसलिए इस विलयन को छान लेते हैं। छनित में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, अशुद्धियों पर शेष रह जाती है। अब इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल या विलयन पुनः गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अक्षेपित हो जाता है। इस अक्षेप को पृथक करके पुनः गर्म करते हैं, शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। इसकी समीकरण भी 3 है। इसमें हो जाएगा और तीसरी विधि है सर्पेक विधि। तीसरा है सर्पेक विधि। इस विधि का उपयोग कब करते हैं? जबकि बॉक्साइट में सिलिका SiO2 की अधिकता होती है और Fe2O3 की कमी होती है। इसके लिए बारीकी से वैसे को
कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, कार्बन और N2 के साथ, तो इसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जो जल के साथ गर्म करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप को गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। समीकरण में भी तो ध्यान क्या देना है, सल्फेट विधि का उपयोग SiO2 की अधिकता होने पर किया जाता है। इसमें भी बॉक्साइट C+N2, इसमें कार्बन और N2 की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार इस अवक्षेप को गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो ये 3 विधियां हैं, तीनों के 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये इतने याद रखना है, बेल विधि का उपयोग इन दोनों अशुद्धियों की अधिकता में, यानी Fe2O3 और SiO2 की। इसमें अभिकर्म में क्या प्रयोग करते हैं? एन्निवच पूछ लेते हैं कि बेल विधि में बॉक्साइट के शोधन का किस अभिकर्म के साथ उपयोग किया जाए, या कौन सा अभिकर्म उपयोग करते हैं सांद्रण के लिए? क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑल विधि का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जबकि केवल F2O3 की अधिकता होती है। इसमें जो अभिकर्मक है वह है सोडियम कार्बोनेट। और अंतिम सल्फेट विधि का उपयोग SiO2 की अधिकता में, इसमें अभिकर्मक कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये 3 क्वेश्चन दो नंबर के बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये था एसकों का सांद्रण। जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए दोबारा बता देता हूँ, एसकों के सांद्रण की 4 विधियाँ बताई गई, गुरुत्वीय पृथक्करण, घनत्व के आधार पर, अर्थात एसक भारी होते हैं, घनत्व अधिक होता है, और गालक हल्के होते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, इस विधि में उन्हीं एसकों का सांद्रण करते हैं जिनमें या तो एसक चुंबकीय हो या अशुद्धि चुंबकीय हो। तीसरा फेन प्लवन, जाग प्लवन विधि, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई। पहला बात ये, इस विधि का उपयोग केवल सल्फाइड एसकों के सांद्रण में करते हैं। इसमें 5 महत्वपूर्ण अभिकर्मक रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जाग कारक, पलवन कारक, स्थायी कारक, सक्रिय कारक और अवनमक या डिप्रेसर। प्रत्येक के उदाहरण, प्रत्येक क्या कार्य करता है ये बताया गया, उसके बाद विधि का वर्णन बताया गया। हाँ, यहाँ पूछ लेते हैं कि जाग पलवन में अवनमक की भूमिका क्या है, प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है। तो अवनमक NaCN या सोडियम कार्बोनेट होते हैं
जो सल्फाइड एसों का झाग बनने से रोकते हैं, सल्फाइड को झाग बनने से रोकते हैं। इसका उद्देश्य है जब एक एसक में दो मिले हुए एसक है, दोनों ही सल्फाइड है, एक अधिक और कम है, तो उसमें एक सल्फाइड को पृथक करने के लिए अनुनमक का उपयोग करते हैं, जैसे जिंक ब्लेंडी और गैलेना ZNS और PBS। इसमें NaCN विलयन का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, जिंक सल्फाइड के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बना देता है जो जल में घुल जाता है और केवल गैलेना के झाग बनते हैं जिन्हें हम आसानी से अलग कर लेते हैं। इसलिए याद रखिए, फेन पलवन में अवनमक यानी डिप्रेसर का उपयोग सल्फाइड एसकों के पृथक्करण में किया जाता है। लास्ट थी ये निक्षालन विधि, ये रासायनिक विधि बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, अभी आपने तीन विधियों का अध्ययन किया है, इसमें केवल जो एसक है वही रासायनिक अभिकर्म के साथ क्रिया करता है, जल में यौगिक बनता है, जो जल में घुल जाता है, अशुद्धियाँ वो जल में घुलती नहीं है, उनको छान कर अलग कर लेते हैं। तीन विधियाँ यहाँ बताई गई, बेर विधि, हॉल विधि और सर्फेक्ट विधि। तो ये थे एसक का साधन। अब हमने क्या किया कि खान से एसक को निकाला, एसक में जो अशुद्धियाँ दूर कर दी, अब हमारे पास क्या बच गया, केवल शुद्ध मात्रा में ऐसा, चाहे वो सल्फाइड है, चाहे वो कार्बोनेट है, चाहे वो ऑक्साइड, चाहे हाइड्रोक्साइड, चाहे सल्फेट। अब इस ऐसक से हमें क्या प्राप्त करनी है, अशुद्ध धातु। हमने आपको चार चरण बताए थे भी ऐसक से धातु प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, धातुक्रम। और धातुक्रम में हमने चार स्टेप बताए थे, पहला था ऐसक का पीसना, दूसरा है ऐसक का सांद्रण, तीसरा है, थर्ड है धातु निष्कर्षण, और चौथा हमने दिखाया था धातु शोधन। तो धातु निष्कर्षण मतलब ये होता है कि सांद्रित ऐसक से अशुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु निष्कर्षण। हालांकि 90% तो धातु शुद्ध मिलती है, लेकिन वो प्योर नहीं होती है, अशुद्ध होती, इसलिए दिया गया है। अब लिखेंगे सांद्रित है, पहले हमने क्या बताया कि ऐसक का सांद्रण कर लिया, अब क्या करेंगे, इस सांद्रित ऐसक से धातु प्राप्त करते हैं, इसका नाम दिया गया है धातु निष्कर्षण। तो धातु निष्कर्षण वह प्रक्रम है जिसमें सांद्रित ऐसक को अशुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए, फिर बोल देता हूँ, वह प्रक्रम या विधि जिसके द्वारा सांद्रित ऐसक को अशुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है। इसके भी चार विधियाँ हैं, धातु निष्कर्षण की चार विधियाँ, क्यों कि कुछ जो सांद्रित ऐसक है उनकी अलग अलग प्रकृति होती है, उसके आधार पर विधियाँ भी चार है। वो कौन कौन सी है, पहली है कार्बन अपचयन, इसको अपचयन बोल देते हैं, अपचयन विधि, अपचयन विधि। उसी में क्या होता है, अपचयन कार्बन के द्वारा भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, स्वतः अपचयन, तो इसमें दिया है अपचयन विधि, और ब्लैक में लिख सकते हैं हमें कार्बन अपचयन, क्योंकि अधिकांश धातुओं के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं,
कार्बन अपचयन, दूसरा है एल्यूमिनोतापी, जिसको थर्माइट विधि भी कहते हैं, थर्माइट। तीसरा है विद्युत अपघटन विधि, और चौथा है धातु विस्थापन। धातु विस्थापन विधि अधिकांश धातु निष्कर्षण में कार्बन अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम में क्रोमियम धातु और मैग्नीज धातु के लिए प्रयुक्त होती है। क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड से हम धातु के लिए क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। और जो धातु क्रियाशील है, अधिक सक्रिय होती है, जो वायु से, नमी से, जल से तुरंत क्रिया कर लेती है, यानी सक्रिय धातुओं का जो निष्कर्षण है वो करते हैं विद्युत अपघटन में। और धातु विस्थापन में चांदी और सोनी जो धातुएं हैं उन धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातु विस्थापन का मुख्य विधि क्या होती है, कार्बन अपचयन विधि। यानी कि कार्बन अपचयन विधि यह दो चरणों में पूरी होती है। पहली है कार्बन अपचयन विधि, तैसक से धातु प्राप्त करने में इसमें दो चरण प्रयुक्त होते हैं। पहला है सांद्र तैसक का ऑक्साइड में परिवर्तन, पहला है सांद्रित ऐसक का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी धातु ऑक्साइड की धातुओं करें तो सांद्रित ऐसक का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और दूसरा है धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन। क्योंकि यहाँ कार्बन का उपयोग होते हैं तो धातु ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अपचयन भी लिख सकते हैं। अब पहला आता है सांद्रित एस का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, ये भी प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, यानी दो विधियां हैं इसमें। सांद्रित एस को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में दो विधियां हैं, कौन कौन सी है, एक तो होती है निस्थापन, और एक होती है वर्जन। इनमें मोस्टली भी अंतर आ जाता है, 2018-2020 में ये प्रश्न दो बार आया अंतर में, निस्थापन और वर्जन में अंतर। तो अब ये दोनों विधियां हैं अलग अलग एसकों के लिए है। आपको बताया गया हाइड्रोक्साइड ऐसक, जल योजित ऐसक, कार्बोनेट ऐसक, सल्फेट ऐसक, सल्फाइड ऐसक, यानी अधिकांश ऐसक सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ जल योजित भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, और कार्बोनेट भी होते हैं। तो निस्थापन जो विधि है, ये जो ऐसक जो जल योजित होते हैं कार्बोनेट होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ इनमें अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि निस्थापन प्रक्रम का उपयोग
किस प्रकार के ऐस को क्लियर करते हैं, जबकि बर्धन में केवल सल्फाइड जैसे ZnS, PbS, HgS, कॉपर पाइराइटीज। तो पहले निस्तापन पर वर्णन कर लेते हैं। निस्तापन वह प्रक्रम है जो उन ऐसकों के लिए, सांद्रित ऐसकों के लिए प्रयुक्त होती है जिस जो जलयोजित हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होते हैं। नंबर दो, इस विधि में ऐस को उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं ऐस पिघलने नहीं पाए। और तीसरा, ऐस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐस के वो रंध्र में या छिद्रित हो जाता है। तो सुन लीजिए, इसमें चार बातें हमें याद रखनी है। निस्तापन विधि या प्रक्रम उन ऐसकों के लिए प्रयुक्त होता है जो जलयोजित हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ऐसक होते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण लिख दिया। दूसरा, इस प्रक्रम में ऐसक को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तीसरा, ऐसक को इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने नहीं पाए, अर्थात गलनांक के नीचे तक ही गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, उसमें उपस्थित नमी, जल और कार्बोनेट है वो वाष्प सील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जो ऐसक है वो रंध्र में छिद्रित हो जाता है। इसमें जैसे समीकरण दो समीकरण लिख देना, Al2O3 2H2O। निस्तापन से क्या होगा, Al2O3 2H2O। इसी प्रकार FeCO3 गर्म करेंगे, FeCO2 एस्केलेमाइन ZnCO3 गर्म करेंगे, ZnO+CO2। ये निस्तापन होने वाली क्रियाएं हैं। अब चलिए बर्धन में। बर्धन प्रक्रम उन सांद्रित ऐसकों के लिए प्रयुक्त होता है जो सल्फाइड के रूप में होते हैं, यानी कि सल्फाइड सांद्रित सल्फाइड ऐसकों का जो ऑक्साइड में परिवर्तन है वो बर्धन क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। नंबर दो, इस क्रिया में ऐसक को वायु की प्रेजेंस में, यानी वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। ऐसा करने से जो सल्फाइड है वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा सल्फर है वो SO2 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रक्रम में वायु ऐसे को अधिक गर्म करते हैं ताकि वो पिघल जाए, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए, यानी सल्फाइड का ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाए। इसमें भी समीकरण देंगे, जैसे PbS3O2 क्या बनेगा, PbO+3SO2 या 2SO2 जो भी। इसी प्रकार कॉपर पाइराइटीज
करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, अधिक होता है इसमें। Cu2S FeS2 प्लस SO2 Cu2S 3O2 Cu2O प्लस SO2 यानी ये इसकी क्रिया है। इसमें भी चार पॉइंट हो जाएंगे और पांचवा दोनों में खास बात क्या है, दोनों क्रियाओं के लिए परावर्तनी भट्टी का उपयोग करते हैं, परावर्तनी भट्टी का उपयोग करते हैं। तो इसका डायग्राम आ जाता है परावर्तनी भट्टी का और पूछ लेते हैं कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर निस्तापन में होने वाले दो क्रियाओं के समीकरण, तो ये दो क्रिया कर देंगे निस्तापन की। और अगर पूछ ले परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर दो अभिक्रियाएं, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, निस्तापन व वर्धन में अंतर। चौथा, केवल परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र। तो अंतर मैंने आपको चार पॉइंट लिख दिए हैं, अंतर हो जाएंगे। फिर नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करना है। तो पहला बताया निस्तापन प्रक्रम का उपयोग जलयोजित हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट एसकों के लिए किया जाता है। निस्तापन विधि का उपयोग सल्फाइड एसकों के लिए किया जाता है। निस्तापन में एस को वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, वर्धन क्रिया वायु की उपस्थिति में की जाती है। निस्तापन में एस को इतना गर्म करते हैं कि पिघले नहीं पाए, अर्थात रासायनिक परिवर्तन न हो, जबकि वर्धन में एस को अधिक गर्म करते हैं ताकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए। चौथा, एसक रंध्र में और छिद्रित हो जाता है, यहाँ ऐसे का वो सल्फाइड से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जो अन्य जो अशुद्धियाँ हैं आर्सेनिक एंटीमिनी ये सब है, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और बाहर निकल जाती है। ये है निस्तापन और वर्धन। और इसका भी डायग्राम बना देते हैं, वैसे बुक का ही सब बुक से बना लेंगे, मैं भी आपको बना देता हूँ। हाँ, एक ध्यान देने की बात यहाँ है, यदि यहाँ कॉपर पाइराइट को काम में लेते हैं, यदि वर्धन क्रिया में कॉपर पाइराइट ही होता है इसका ऐसा, इसको काम में लेते हैं तो भट्टी की जो भीतरी सतह है उस पर SiO2 का एक लेयर या परत लगा देते हैं, यानी उसमें SiO2 मिला देते हैं। वो इसलिए यह एक गालक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कॉपर पाइराइट की क्रियाओं के अंदर क्या बनता है, FeS2 जो ऑक्सीकृत होकर FeO में बदल जाता है। अब क्या दो धातु मिलेगी, कॉपर भी Fe है, तो Fe को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, SiO2, क्योंकि FeO है वो SiO2 एक गालक होता है, उससे क्रिया करके धातु मल में परिवर्तित हो जाता है और केवल कॉपर ही बची रहती है। फिर बात को नोट कर लीजिए, प्रश्न ये है, आप नोट कीजिए, कॉपर पाइराइट को समझिए, कॉपर पाइराइट के वर्धन में सिलिका मिलाया जाता है। प्रश्न आता बोर्ड में 2019 में आया था कि कॉपर पाइराइट के वर्धन क्रिया में सिलिका क्यों मिलाया जाता है। अब उसका कारण देखिए, इसमें तो ये क्रिया है, अब ये दोनों ही जो सल्फाइड है ये वायु से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, अब देखिए
अगर यहाँ हम अगर SiO2 नहीं मिलाते हैं, SiO2 नहीं मिलाते हैं तो हमें दोनों ऑक्साइड मिल जाएंगे, जबकि धातु एक प्राप्त करती है। इसलिए FeO को यहाँ से गायब करने के लिए इसमें SiO2 मिलाते हैं, जो कि FeO प्लस SiO2, इससे क्या बनता है FeSiO3, इसे क्या बोलते हैं धातु मल, धातु मल जो एक गलनीय पदार्थ है वो अलग हो जाता है, वो शेष केवल क्या बचा रहता है कॉपर सल्फेट। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्धन क्रिया में जब कॉपर सल्फेट का वर्धन करते हैं तो सिलिका की भूमिका क्या होती है, ये इसकी भूमिका है। अब इसका डायग्राम बना लीजिए। तो परावर्तनी भट्टी का ये डायग्राम है, आपकी बुक में दिया होगा, उसमें देख कर आप बना लेंगे। तो अब यहाँ दो बातें और उसमें दी हुई है, पायरो अपघटन कि यदि सांद्रित ऐसे को ऑक्साइड में परिवर्तित करके उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उच्च ताप पर उसका अपचयन करते हैं तो धातु प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या दिया गया है, पायरो अपघटन। क्या कहते हैं, पायरो अपघटन कहते हैं। दूसरी बात इसमें स्वतः अपचयन, यानी कि जो कम क्रियाशील धातुएं उनका स्वतः ही अपचयन के द्वारा धातु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बेसमर परिवर्तक में जब कॉपर पायराइटिस से तांबा प्राप्त करते हैं उसमें स्वतः ही अपचयन के द्वारा तांबा प्राप्त होता है, उसमें यह क्रिया होती है। Cu2S, Cu2O या पश्चिम क्रिया करके कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक स्वतः अपचयन का उदाहरण है। तो ये था कार्बन अपचयन विधि में दो पार्ट। पहला पार्ट क्या था कि सांद्रित ऐसे का ऑक्साइड में परिवर्तन, दूसरा भाग है ऑक्साइड का अपचयन, ऑक्साइड का अपचयन। तो इसमें सांद्रित ऐसक या वर्जित ऐसक, जो वर्जित या निस्थापित ऐसक है उसमें कोक और कार्बन मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होती है, इस क्रिया का नाम दिया गया है प्रगलन। क्या नाम दिया गया है, प्रगलन। यानी दूसरा हमारा बिंदु है प्रगलन, यानी जो कार्बन अपचयन क्रिया दूसरा स्टेप है उसे क्या बोलते हैं, प्रगलन। धातु ऑक्साइड का अपचयन, इसका नाम क्या दिया गया है, प्रगलन। तो ये आ जाता है कि प्रगलन क्या होता है। फिर सुन लीजिए, अभी हमने निस्तापन और वर्धन में सांद्रित ऐसे को ऑक्साइड में परिवर्तित किया है, अब इस ऑक्साइड ऐसे से धातु प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन और गालक का उपयोग करते हैं तो उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो धातु प्राप्त होती है, इस क्रिया का नाम दिया गया है प्रगलन। यानी यहाँ आ जाएगा वर्जित ऐसक या वर्जित ऐसक प्लस कोक प्लस गालक, इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो धातु की प्राप्ति होती है, इसे नाम दिया गया है प्रगलन। और प्रगलन के लिए वात्या भट्टी का उपयोग करते हैं। इसका डायग्राम जब लोहे का करेंगे निष्कर्षण उसमें आएगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो कार्बन है वो धातु ऑक्साइड को कार्बन में, जो कार्बन है वो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचित कर देता है। इसमें क्रिया ये होती है C+O2 CO2 CO2 + C 2 CO। अभी अब जो धातु PbO + CO,
चेंज पी बी प्लस सी ओ टू। इस प्रकार जेड एन ओ प्लस सी ओ फिर जेड एन प्लस सी ओ टू, या ये भी हो सकता है जेड एन ओ प्लस सी चेंज जेड एन प्लस सी ओ। यानी ये तो क्या है, कार्बन का रोल है, और ये जो गलत है इसका अलग से हम अध्ययन करेंगे, जो कि हम कल बताएंगे कि गालक क्या होता है, क्या कार्य करता है। संक्षेप में बता दूं, ये गालक क्या करता है कि जो सांद्रित ऐसे कमी है उसमें कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ होती है वो रह जाती है, उन अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन पदार्थों या रसायनों का उपयोग करते हैं उन्हें गालक कहते हैं। गालक के दो प्रकार होते हैं, ये बातें आपको कल के एपिसोड में बताई जाएगी। आज का एपिसोड यहाँ तक, थैंक यू।